मैच नंबर 59 आपका CSK वर्सेस मुंबई। देखिए काफ़ी सारे लास्ट के कितने दिन से जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें जो भी आपको बता रहा हूँ वही ना वही कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही है मैच टाइम पे पॉइंट्स टेबल पे। तो मेरे को बहुत ही बड़ा डिस्कशन करना है, ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। मुंबई CSK बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है, ठीक है। अभी देखा जाए तो CSK का चांस अभी भी बनता है, ठीक है। काफ़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, आपने लास्ट मैच में देखा होगा, मतलब स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, पूरा बोल सकते हो CSK का, ठीक है। तो बहुत आज भी मैच तो मुंबई में ही है बट आपको CSK के भी फैन देखने मिलेंगे क्योंकि ये दोनों एक ब्रांड है, ठीक है। IPL इन्हीं की वजह से आप एक तरह से बोल सकते हो लोगों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है CSK मुंबई और आप बोल सकते हो RCB के पीछे, ठीक है। इन तीनों के पीछे लोग पागल हैं, तो इन दोनों टीमों की हालत ख़राब है। मुंबई तो हमारी पार हो गई है बट CSK के चांस अभी भी हैं और रहेंगे, एंड तक रहेंगे। अब तो RR हारी गई है जैसा मैंने आपको समझाया था, RCB भी आपको हारते मिलेगी, ठीक है, ऐसा मेरा पूरा प्रेडिक्शन है। बाकी देखा जाएगा, ठीक है। CSK को आउट नहीं कर सकते ये, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान होगा इनके ब्रॉडकास्टर को अगर आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप क्रिकेट को क्रिकेट के अलावा भी और भी थोड़ा और तरीके से सोचो कि क्या हो सकता है। आपको मालूम है हॉटस्टार में जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ था वो CSK के मैचेस का था, मतलब इतने इतने पैसे मिलते हैं इनको, इतने व्यूज़ के बंदे मैच आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये CSK मुंबई। आज भी जो बहुत लोगों का बोल सकते हो अभी भी धोनी के ऊपर क्रेज, जब तक सचिन खेलता था तो काफ़ी और व्यूअरशिप बढ़ती थी, बड़े बड़े लोग भी मैच देखते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, सचिन के जाने के बाद काफ़ी लोगों ने मैच देखना ख़त्म किया, अब धोनी के पीछे लोग मैच देखते हैं और व्यूअरशिप बढ़ती है, पैसा आता है, इन्हीं सब चीज़ों से तो IPL चलता है, ठीक है। एंड में तो मैक्स टू मैक्स ये सब चीज़ का पैसा ही मैटर करता है ना, आप समझ रहे हो। आपके भी लाइफ में याद रखना पैसा ही मैटर करेगा, ज़िंदगी में पैसा रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, किसी के सामने आप बोल सकते हो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा होगा आप उस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हो, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ और आज के मैच में भी आपको कहीं ना कहीं मैं वही बता रहा हूँ, आपको CSK विन मिल सकती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, इसके ऊपर और डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं ग्राउंड की। तो वानखेड़े में मैच है, दोनों मैच में, लास्ट के दोनों मैच में 190 बने हैं बट आज स्कोर डाउन होगा। लास्ट मैच जो चेन्नई और इनका हुआ था वही 150-160 का मैच हुआ था और मैच अच्छा हुआ था, आज भी आपको वही स्कोर देखने मिलेगा। हमें देखा है अब ग्राउंड्स में जो है रन बनने कम हो गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं रह गए हैं। मैंने जैसा आपको बोला था अभी तो पूरा ये एंड चल रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी और स्लोअर पिच मिलेंगी। हालांकि वानखेड़े में बहुत रन बने हैं, सबसे बेस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है, आप एवरेज स्कोर से ही पता लगा सकते हो। तो आज भी आपको 160 के अप्रॉक्स मिल सकता है, मेरे को नहीं लगता बहुत हाई बनेगा, ऐसा मेरा मानना है, काफ़ी दिन से मैच नहीं हुआ है और लो स्कोरिंग मैच ही आप बोल सकते हो अच्छे मैचेस होते हैं, मतलब जो एवरेज स्कोरिंग मैच होते हैं, हाई स्कोरिंग मैच वगैरह हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में तो आपकी जडेजा तो चले गए, ठीक है, बाकी टीम ऐसे ही खेलेगी, लास्ट मैच भी इन्होंने यही खिलाया था, ठीक है। लास्ट मैच में प्रिटोरियस खेले थे क्या, ये बंदे ने क्या बनाया है, यही मेरे हिसाब से तो प्रिटोरियस नहीं खेले थे लास्ट मैच में, मोइन अली खेले थे, प्रिटोरियस भी खेले थे क्या, एक सेकंड रुकिए, नहीं ठीक है, लास्ट मैच में तो आपका प्रिटोरियस नहीं खेले थे, ठीक है, आपका लास्ट मैच में आपका ड्वेन ब्रावो खेले थे, पता नहीं उस बंदे से बात करनी होगी मेरे को, ठीक है। तो यही टीम रहेगी आज के मैच में भी मैक्स टू मैक्स। सिमरनजीत सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और धोनी बैक कर रहे तो जरूर इस बॉलर में कोई तो बात होगी, ठीक है। मैं नहीं समझ पाया अभी तक इनकी बॉलिंग कुछ ऐसी खास नहीं लगी, बिकॉज मेरे को चाहिए ऑलराउंडर, ठीक है, जैसे कि KKR में भी आ गए हैं, जैसे मिचेल मार्श का आपने देखा, मैं कंटिन्यूस आपको बोल रहा था मिचेल मार्श को खिला रहे हो तो बॉलिंग दो, आप बॉलिंग दो चारों और आप बैटिंग कराओ, आप एक बॉलर हटा दो, हालांकि अभी भी वो एक बॉलर रखे हुए फालतू का, वो चाहे तो मिचेल मार्श को पूरा फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी तरह वो चाहे तो ललित यादव को फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, एक ऑलराउंडर को ऑलराउंडर की तरह खिलाओ, सीधी बात है। चलिए छोड़िए, टीम में कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठ रहे, रॉबिन थप्पा फिट नहीं बैठ रहे, और हालांकि ये हटा तो नहीं सकते रॉबिन थप्पा को, बट देखना पड़ेगा इनका क्या मन करता है क्या नहीं करता है रॉबिन थप्पा, बट अगर फिट नहीं बैठते, मेरे को कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा रॉबिन थप्पा को खिलाना चाहिए, वो एन जगदीशन नहीं तो हरी निशांत को खिला सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। रॉबिन थप्पा ओपन अच्छा किया था बट अब ये दोनों ओपनर अच्छे हो गए, तो आज के मैच में भी चेन्नई का पलड़ा भारी रहेगा बट इनकी बॉलिंग बहुत पुअर है। खाली आप बोल सकते हो महेश दीक्षिणा और अभी जो आपके ये ड्वेन ब्रावो है, वही ड्वेन ब्रावो भी पुराने वाले ड्वेन ब्रावो नहीं रह गए, और बाकी मुकेश चौधरी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बाकी कहीं ना कहीं जडेजा नहीं है, और हाँ अब फाइनली मोइन अली से इन्होंने बॉलिंग कराई लास्ट मैच में, वही है कि ऑलराउंडर से आप बॉलिंग कराइए तो आपको पूरा फुल यूटिलाइज आप कर सकते हो, आपने पैसा देके लिया है। तो मोइन अली ने भी लास्ट मैच में विकेट लिए थे, आपको याद होगा। तो टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धोनी है बाकी, और मैक्स टू मैक्स मेरे को ही लग रहा है जो अभी आपको बताऊंगा। देखिए इनकी टीम में कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बोला मेरे को नहीं मालूम कौन खेलेगा, हो सकता है आज बुमराह ना खेले तो हो सकता है, क्योंकि भाई इन ये रेस्ट दे सकते हैं, 5 विकेट वो बंदा ले चुका, हो सकता है आपको रोहित शर्मा ना देखने, तो मैं नहीं जानता इनकी क्या टीम होगी, बिकॉज जो भी प्लेयर बैठे हैं यहाँ पर हो सकता है तेंदुलकर देखने मिल जाए, अर्जुन तेंदुलकर, ठीक है, हो सकता है आपको संजय यादव खेलते दिख जाए, तो ये इनका मर्जी है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सूर्य कुमार यादव पहले से ही चोटिल थे, तो ये सारी चीज़ें मेरे को मालूम नहीं इनकी टीम में कुछ नहीं, बट हाँ डैनियल सैम्स अच्छा परफॉर्म किए हैं,
तिलक वर्मा आप बोल सकते हो फ्यूचर है मुंबई का, टिम डेविड को इन्होंने नहीं खिला के पहले ही गलती की थी, अब कंटिन्यू सारे मैच खिला रहे हैं। ईशान किशन अब मार के खेल रहे हैं, पहले वो जेल के खेल रहे थे। बाकी ये फिर अभी बोल रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक को आपको बहुत बड़ी पारी देखने मिल सकती है, ठीक है। हालांकि अब ज़्यादा मैच इनका बचा नहीं है, शायद तीन ही मैच कुछ बचा है। कहीं ना कहीं कुमार कार्तिकेयन की भी अच्छी बॉलिंग है, मुरुगन अश्विन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, अब एंड में इनका सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें लाइन में आ रही हैं, बट वो अभी भी मैच नहीं जीत पा रहे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है आपको हमेशा से मैं बोलता हूँ, जो टीम हारती है हमेशा हारती ही है, अगर जीतती भी है तो आप समझ जाओ आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ही अगर आज मेरे से पूछोगे तो आज भी मेरी टीम यही रहेगी, ठीक है। मैं इसी के साथ रहूँगा, बाकी आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी नहीं बोलूँगा, अब जिसको वीडियो क्लोज करना है कर सकता है, मैं जा रहा हूँ पॉइंट्स टेबल के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करने, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ये हट गई है, डेली बात करूँगा, इससे आपको भी समझ आएगा ये और ये का क्वालिफिकेशन हो गया है, मान लो क्वालिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बारी आती है इन सब की, चेन्नई आज का मैच जीतना चाहिए, कहीं ना कहीं चेन्नई जीतेगी तो टूर्नामेंट बना रहेगा, और कल का मैच पंजाब आपको आरसीबी को हराते मिलनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर जो आरसीबी का जो ये आपका लास्ट मैच होगा तब तक टूर्नामेंट में जो भी टीम सात जीतेगी उसका क्वालिफिकेशन का चांस रहेगा, बस आरसीबी को हारना है, ठीक है। आरसीबी को बस नेक्स्ट मैच हारना है पंजाब के साथ, फिर उनका मैच सीधा आप बोल सकते हो 19 मई को रहेगा। तो कहीं ना कहीं कल का मैच बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर ये टीम हारती है फिर भले ही लास्ट मैच जीत जाए पर टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगले 5 दिनों के लिए। और बाकी डीसी की टीम मैं आपको बहुत दिन पहले ही बोल दिया था, लास्ट ईयर केकेआर ऊपर आई थी, इस बार डीसी ऊपर आएगी, केकेआर क्वालिफाई नहीं कर पाएगी मैक्स टू मैक्स, मेरे को ये लगता है। डीसी आपको हो सकता है क्वालिफिकेशन में मिल जाए, डीसी का दो मैच और है, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर सुपर हिट फॉर्म में अभी वापस आ गए हैं, और बाकी इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, और एसआरएच का भी अभी 3 मैच बचा है, तो अब यहाँ से आपको एसआरएच भी जीतते मिलेगी, याद रखिएगा अभी लगातार हार रहे हैं तो अब और नहीं हारेंगे, एसआरएच भी आपको जीतते मिलेंगे, अब किसी को उम्मीद नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हो गया है, और यही सब चीज़ बोलना था, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ड्रीम इलेवन में आप किसको ले सकते हैं, फिर से आज ऋतुराज गायकवाड़, फिर से डेवन कॉनवे ले सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में है बंदे, हम बाकी राइडू को आप लें, मोइन अली को लेना ही लेना है, ठीक है। बाकी इनमें आप महेश तिक्सीना को भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इनमें आओगे तो इनमें आपको ईशान किशन रन बनाते मिलेंगे, तिलक वर्मा कंटिन्यूस रन बनाते मिलेंगे, और ऐसी सच इनकी टीम में कुछ खास नहीं है, बुमराह वगैरह को मैं नहीं लेने वाला, डैनियल सैम्स ठीक ठाक बॉलर है, बस इतना ही है। मैक्स टू मैक्स आप चेन्नई की टीम के प्लेयर को लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।